नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दिशा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 22 जनवरी और वार है सोमवार। शो में हम बात करेंगे कॉपर, पीतल, एल्युमिनियम और जस्ते में जो मंदा जारी है उसके बारे में। जी हाँ, लंदन मेटल एक्सचेंज में अधिकतर आल्हा धातुओं में बिकवाली का प्रेशर बना रहा। इसके असर से यहाँ भी ऊपर के रेट में कॉपर में 6 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। इसके साथ साथ निकेल, एल्युमिनियम, जस्ते में भी बाजार टूटते चले गए। आलोचित सप्ताह लंदन मेटल एक्सचेंज में यूरोपीय व खाड़ी की सटोरी द्वारा लगातार भाव घटाकर बिकवाली की गई। इसके साथ साथ ग्राहकी का समर्थन नहीं मिलने और पहले के बिके हुए मालों की डिलीवरी ज़्यादा आने की वजह से बाजार निकेल, एल्युमिनियम और जस्ता भी टूटकर नीचे आ गया। आलोचित सप्ताह स्थानीय अलहो धातु बाजार में कॉपर की बिकवाली का प्रेशर बना रहने से प्लांट का आर्मेचर 6 रुपये गिरकर 667 रुपये प्रति किलो हुआ। भट्टी के रेट भी 665 रुपये पर आ गए और रॉड में भी 5 रुपये की गिरावट पर 725 रुपये प्रति किलो के भाव बोले गए। गौरतलब है कि एक पखवाड़े के अंतराल आर्मेचर में 14 रुपये प्रति किलो की उल्लेखनीय गिरावट आई। उधर पूरे सप्ताह पीतल पुर्जा 489 रुपये, चादरी देसी 502 रुपये, हनी 511 रुपये और रेडिएटर देसी विदेशी 349 रुपये पर टिके रहे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भी जस्ते के रेट घटाकर व्यापार किया गया, जिससे यहां उसके भाव 4 रुपये घटकर 226 रुपये प्रति किलो हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की खबरें दे सकें। ऑस्ट्रेलिया के भाव 235 रुपये बोले गए हैं। जापान और इराक के भाव 221 223 रुपये पर उसी अनुपात में मुलायम रहे। इधर एल्युमिनियम में भी लगातार बिकवाली का प्रेशर रहा। हिंडाल्को आदि बड़ी कंपनियों द्वारा भाव घटाकर व्यापार किया गया। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्व विशेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए हमारे दिन नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।